हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवान अमित पे स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे जितने भी आने वाले वीडियो रहेंगे आपको सबसे पहले आपके चैनल पर देखने को मिल जाएगा। हम एक बार फिर से एक खिरकिया घाट का नया वीडियो आप सभी के सामने लेकर आ गए हैं। आप सभी देख सकते हैं कितना सुंदर आज का वीडियो है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग दिन रात वर्क हो रहा है जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी सहयोग करिए, इससे हर रोज़ आपको वीडियो देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, काफ़ी चिंता की बात है कि हमारे बनारस में गंगा जी का जल देख सकते हैं काफ़ी हरा हो गया है, यूँ कहें तो एकदम हरा हो गया है, और इनका पानी पीने के योग्य नहीं है एक तरह से, क्योंकि अब इसमें धीरे धीरे पानी जो है वो ख़राब होता दिख रहा है और गंगा जी नष्ट होती दिख रही हैं। सबसे बड़ी बात आप सभी को हम बताएं तो ये बात है कि गंगा जी का पानी तो हरा हो गया लेकिन अभी भी आप सभी को एक कीड़े इसमें दिखाई नहीं देंगे, तो ये काफ़ी चमत्कार वाली बात है फ्रेंड्स। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे खिरकिया घाट यानी कि राजघाट से सटे गोवर्धन घाट और खिरकिया घाट का जोरों पर निर्माण कार्य चल रहा है। जो रेड कलर की आप मशीन देख रहे हो, यहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम बहुत ही तेज़ी के साथ किया जा रहा है जो कि आप सभी को मैं दिखा पा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे फ्रेंड्स अभी जाली लगाई जा रही है, ऊपर आप सभी देख रहे होंगे कि वहाँ पर अभी एक तरफ ढलाई हो गया है और दूसरे तरफ ढलाई नहीं किया गया है, यानी जैसे जैसे घाट का स्ट्रक्चर बनाने के बाद पूरी कंप्लीट हो जा रही है, मिट्टी वगैरह सब कुछ पाट दिया जा रहा है तो उसके बाद इसका वर्क स्टार्ट हो जा रहा है। सामने देख सकते हैं संत रविदास मंदिर जो कि राजघाट का काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसको बाबू जगजीवन राम ने बनवाया था। इस मंदिर पे फ्रेंड्स काफ़ी वीआईपी लोग आ चुके हैं और हमारे देश के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आ चुके हैं, इसमें दर्शन भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर काफ़ी पुराना होने के साथ साथ इसमें कई तरह की कार्य भी किए जाते हैं जो कि आप सभी ने देखा होगा। नीचे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कई तरह के वर्क हो रहे हैं। राजघाट पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे एक भवन का निर्माण कराया गया है, उसी के साथ साथ यहाँ पर सांस्कृतिक मंच के साथ साथ यहाँ पे स्नान करने वाले भक्तों को भी इसमें वस्त्र बदलने की एक तरह से अनुमति है और काफ़ी अच्छा है। यह बन जाने से काफ़ी सुविधा सभी लोगों को हो गई है। और नीचे देख सकते हैं कि अपना वर्क लोग बहुत ही स्टार्ट यानी कि अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी हम आप सभी को जानकारी दे दें, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी भाइयों को, क्योंकि अब पूरे उत्तर प्रदेश में कल से लॉकडाउन पूरी तरह खुल चुका है। यह लॉकडाउन खुलने का दूसरा दिन है जो कि पूरी तरीके से छूट दे दी गई है, क्योंकि अभी काफ़ी कोरोना कम मिल रहा है तो इसकी वजह से अब काम जो खिरकिया घाट है और बाकी जो बनास के कार्य हैं वो बहुत ही तेज़ी से किए जाएंगे। फ्रेंड्स, बीते दिनों जब कोरोना काल था तो उस समय खिरकिया घाट और भी कई जगह जो वर्क हो रहे थे वहाँ पे लगभग मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी तो उसको कम करना पड़ा, जिसके वजह से काम भी धीमा हो गया और काफ़ी पीछे हो गया। तो अब काफ़ी खुशी की बात है कि हमारा जो वर्क छोटा था तो वो धीरे धीरे अब कंप्लीट ना होकर अब काफ़ी तेज़ी से होगा। अब दिन रात एक करके मजदूर अपना वर्क करेंगे और जल्द से जल्द इन सब घाटों का आप आनंद ले सकेंगे।
यानी घाटों पे अब आसानी से आप जाकर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। आपको बता दें अभी तो काफ़ी टाइम है खिड़किया घाट, गोवर्धन घाट को बनने में, क्योंकि यहाँ पर अभी फ्रेंड्स देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ही बना है, यानी कि पूरी तरीके से ढलाई का वर्क भी नहीं हुआ है। खैर, खिड़किया घाट पे तो काफ़ी ढलाई का वर्क चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जगह ही ढलाई का वर्क किया गया है। बाकी जगह आप सभी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनाया गया है और कुछ जगह तो छोड़े भी गए हैं। नीचे देख सकते हैं कि गंगा जी के पानी के पास यहाँ पे जाली लगाकर पत्थरों को अच्छे से व्यवस्थित किया गया है कि जो यहाँ पे अगर कोई नीचे उतर जाए तो दलदल में ना जाए। ऐसा फ्रेंड्स आपको किसी घाट पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन खिड़किया घाट काफ़ी मॉडल घाट है, यानी कि सभी घाटों से एकदम अलग देखने को आपको मिलेगा। खिड़किया घाट 80 घाट से भी अलग देखने को मिलेगा, या फिर आपको रविदास घाट देख लीजिए। अगर उससे भी अच्छा घाट देखना है तो खिड़किया घाट ही बनने के बाद आप सभी को नज़र आने वाला है, क्योंकि दूर दूर से अब सभी लोग यहीं पर आएंगे। यहाँ पे लगभग हर तरह की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, किसी भी घाट पर आपको गाड़ी वगैरह ले जाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन यहाँ पर आप गाड़ी आसानी से ले आ सकेंगे। वैसे तो राजघाट पर भी आप आसानी से गाड़ी लेकर आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम होती है यानी इधर उधर करने में। उसी प्रकार यहाँ पर भी आसानी से गाड़ी लेकर आ सकेंगे। आपको बता दें कि जो राजघाट है उससे ज्वाइन कर दिया जाएगा इस घाट को, और यहीं पर पार्किंग स्टैंड और भी कई तरह की सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे ज़रूरी बात हम आप सभी को बता दें कि गंगा जी का जल स्तर काफ़ी पुराना हो गया है, यानी कि काफ़ी हरा हो गया है और काफ़ी गंगा जी नष्ट हो गई हैं। फ्रेंड्स, गंगा जी में तो करोड़ों रुपया एक तरह से बह गया है, क्योंकि काफ़ी इसमें पैसा लगाया गया है और गंगा जी साफ तो हो रही हैं, लेकिन जल इनका काफ़ी हरा हो गया है, जो कि काफ़ी चिंता वाली बात है। सामने देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आप सभी को देखने को मिल रहा है। यह खिड़किया घाट है, खिड़किया घाट के आगे भी बहुत ही तेज़ी के साथ वर्क चल रहा है। यहाँ पर जब फ्रेंड्स नाव लाइन से लगे होते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में, जो आप सभी को देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं अब तक कितनी परत बनाई गई है खिड़किया घाट पे, 4 से 5, यानी कि आप सीढ़ियों के सहायता से अब खिड़किया घाट पे आसानी से जा सकते हैं, यानी कि एक ही सीढ़ी बनाई गई है। तो एक ही सीढ़ी से अगर आप इस समय जाते हैं घूमने तो आपको पूरी तरीके से छूट नहीं मिलेगा खिड़किया घाट पे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी पूरी तरीके से सीढ़ी भी तैयार नहीं हुई है, अभी ढलाई का वर्क चल रहा है, यानी कि जो घाट है उस पर ढलाई का वर्क चल रहा है, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है वहीं पर फ्रेंड्स आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक आ सकते हैं। और वहाँ पे बता दें सीएनजी गैस की पाइपलाइन बिछाई गई है, जो अंदर अंदर अंडरग्राउंड करके स्टेशन के पास लाई गई है। वहीं से आप सभी को, यानी कि जो नाव यहाँ पे हैं, जो सीएनजी नावें होंगी, तो उनको एक तरह से सीएनजी दिया जाएगा, तो उसके लिए यह सुविधा बनाई गई है। सामने देख सकते हैं एक गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी फ्रेंड्स ढलाई का वर्क बहुत ही तेज़ी से कर रही है, क्योंकि इसके अंदर ही बालू, सीमेंट,
गिट्टी, पानी सब कुछ मिक्स करके इसी की सहायता से ढलाई का वर्क बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। आपको बता दें, ये होने के कारण घाटों का जो पक्का करने का वर्क है वो काफ़ी तेज़ी से हो पा रहा है। लगभग देख सकते हैं 10 मजदूरों का वर्क यह अकेले ही कर दे रहा है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा है। और जल्द से जल्द फ्रेंड्स सभी को इंतज़ार है कि खिड़किया घाट कब तैयार हो और कब हम लोग जा सकें। आप सभी को पता ही होगा कि जल थल नभ तीनों जगह से आप आसानी से खिड़किया घाट जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह जब बन जाएगा तब आपको यानी कि आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा बनने के बाद भी, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास नहीं करेंगे तब तक आपको इस घाट पर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये पक्की खबर है, क्योंकि उन्होंने ही एक तरह से संकल्प लिया था कि यहाँ पे नए घाटों का निर्माण किया जाए। फ्रेंड्स, आप सभी सोच रहे होंगे कभी ना कभी कि इसका नाम खिड़किया घाट और गोवर्धन घाट कैसे पड़ गया, जैसे कि अन्य घाट के नाम पड़े हैं तो वो तो कोई नहीं जानता। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ गोवर्धन घाट और खिड़किया घाट कैसे नाम पड़ा। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आप सभी जान रहे होंगे बहुत ही पहले से कि गोवर्धन धाम के नाम से यह जाना जाता था, जिसके कारण इसे गोवर्धन धाम के साथ साथ गोवर्धन घाट का नाम भी दे दिया गया, और यहीं पर खिड़किया के नाम से भी जाना जाता था। तो दोनों घाटों का नाम ऐसे ही पड़ा है। और इसको नाम जो देने वाले हैं वो हमारे प्रधानमंत्री ही हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से भी नाम था और उनके साथ साथ खिड़किया घाट का भी नाम पड़ गया है। वैसे तो आपको खिड़किया घाट पे जाने के लिए अब काफ़ी टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कितना स्ट्रक्चर बन गया है और कितनी तेज़ी से यहाँ का वर्क हो रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, गंगा जी के किनारे किनारे कितने सारे पत्थर लगाए गए हैं। पहले तार फ्रेंड्स लिया गया है, यानी उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है जाली टाइप, फिर उसके अंदर छोटे छोटे पत्थरों को डाला गया है, यानी कि जो मशीनें तोड़ रही थी, मैंने रेड कलर की मशीन दिखाई जो जेसीबी की तरह थी, तो वो तोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए यानी कि बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटा किया जा रहा है, छोटा करने के बाद इस जाली के स्ट्रक्चर में डाला जा रहा है। जैसा तार होता है ठीक उसी प्रकार ये जाली भी है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अब एक भी पेड़ नहीं कटेंगे, क्योंकि हमारे देश की दशा भी कुछ अलग हो चुकी है, तो इसको एक तरह से देखते हुए बिल्कुल भी नहीं काटा जाएगा, देख सकते हैं। और एक ज़रूरी जानकारी आप सभी को हम दे दें तो आप जान जाइए कि ये जो घाट का निर्माण हो रहा है फ्रेंड्स, इसे गेल कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो कि सरकारी है, और उसके साथ साथ प्रीति कंस्ट्रक्शन की तरफ से भी जो प्राइवेट लिमिटेड यानी कि प्राइवेट कंपनी है एक, लगभग इसमें 3 से 4 कंपनियां वर्क कर रही हैं, जो कि 37.26 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। यानी कि 3-4 कंपनी मिलकर इन घाटों का स्ट्रक्चर बना रही है, इन घाटों का निर्माण हो रहा है उन्हीं के साथ साथ। आप सभी देख सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है और कितने लोग इस घाट को बना रहे हैं, देख सकते हैं।
तो ये अलग अलग कंपनियों द्वारा वर्क किया जा रहा है जो कि अब प्राइवेट एक तरह से हो चुका है, और कुछ सरकारी हैं और कुछ प्राइवेट हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं सामने सीएनजी ढेर रखा गया है जो कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, और सामने दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स जो कि छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो छड़ हैं उनका एक तरह से स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, यानी कि जाली की तरह। फिर उसके बाद जो मैंने मशीन आप सभी को बताई, जो गाड़ी है वो गिट्टी बालू पानी और सीमेंट को मिक्स करके यहाँ पे वो डाल रहा है, जिसकी सहायता से लोग यानी कि एक जगह डाल रहा है तो उसको चारों तरफ बिछा रहे हैं अच्छे से। तो इस तरीके से ढलाई का वर्क हो रहा है। एक सीएनजी स्टेशन बना दिया गया है गेल कंपनी द्वारा, आप सभी देख सकते हैं। और आगे देख सकते हैं जेटी का काम बहुत ही तेज़ी के साथ किया जा रहा है फ्रेंड्स। और आगे देख सकते हैं कि गंगा जी अब काफ़ी सूख गई हैं, यानी कि और आगे जो तथागत घाट है यानी कि बसंत कॉलेज के ठीक आगे, वहाँ पर भी गंगा जी ठीक इसी प्रकार जैसे कि बालू वाले बीच आप सभी देखते होंगे, तो ठीक उसी प्रकार वहाँ पर भी सूख चुकी हैं। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है खिड़किया घाट का। सोचिए इस समय जब इतना सुंदर स्ट्रक्चर बनने के बाद दिखाई दे रहा है, तो पूरी तरीके से जब तैयार हो जाएगा तब कितना भव्य और सुंदर इसका नज़ारा आप सभी को देखने को मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत घाट बनने वाला है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। हर कोई अपना अपना वर्क कर रहा है बहुत ही तेज़ी के साथ जो कि आप सभी के सामने हैं। जाली की जो जितनी भी जालियां थीं उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लेकर आया गया है, और वर्क काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एक जेसीबी और दो अन्य तीन मशीनें लाई गई हैं, जो मैंने बताया मिक्सर मशीन, जो कि इसी की सहायता से पूरे घाटों को ढलाई के कार्य में उपयोग करना है। देख सकते हैं यहाँ से बालू वगैरह लाया गया है और गिट्टी भी लाया गया है जो कि इसमें मिक्स करके ही वहाँ पे उपयोग में लाया जाएगा। सबसे ज़रूरी जानकारी आप सभी को दे दे तो आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा, जो कि पाइपलाइन लगा था यानी कि सीएनजी का एक पाइपलाइन तैयार किया गया था, तो उसके बाद फ्रेंड्स उस पाइपलाइन को हटाकर देख सकते हैं वहाँ पे ढेर सारे छड़ लगा दिए गए हैं। छड़ लगाने के बाद अब वहाँ पर ढलाई का वर्क चल रहा है। अचानक से खिड़किया घाट के इस प्लान को चेंज कर दिया गया है, जो कि पाइपलाइन था अब अचानक वहाँ उस पाइपलाइन को हटाकर वहाँ पे ढलाई का वर्क शुरू कर दिया गया है। तो यह पक्की खबर थी, और आपको बता दें तो यहाँ पे अभी कई ऐसे जो वर्क हैं हो रहे हैं उसमें काफ़ी चेंजेज आने वाले हैं, यानी हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पे हेलीपैड ना बनाया जाए और कहीं बनाया जाए। तो हेलीपैड की भी जानकारी नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था, तो अभी भी कोई जानकारी नहीं है कि कब बनेगा और कहाँ बनेगा। अभी पूरी तरीके से स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, उसके बाद ढलाई का वर्क हो जाए, उसके बाद जो हेलीपैड बनना है उस जगह का एक तरह से मुआयना हो जाए, तभी फ्रेंड्स कुछ पता लग पाएगा। जो हेलीपैड बनना है उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक समय हुआ करती थी, एक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बस्ती हुआ करती थी, कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक ऐसा समय आ गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे देख सकते हैं हर बनारसी की नज़र है इस पे,
बनारसी क्या पूरे भारत की नज़र है एक तरह से, जो कि यहाँ टिकी हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, इससे जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगी सबसे पहले देखने को मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अपने छोटे भाई का। हर हर महादेव फ्रेंड्स। Tell me that you love me.